कहाँ तक अगर ऊपर से ए वी बंडल तक आते आते कितना टाइम लगता है ए वी बंडल से फिर उसका जो है पूरा उसका आगे जो है वेंट्रिकल्स तक जाते कितना टाइम लगता है ए वी नोट तक जाते ये पूरा कितने एम सी क्यूज यहाँ एक इस डायग्राम से बन जाते होते हैं ठीक है देन आगे आ जाता है कि ए टी यू वेंटिकल मतलब इस पूरे टॉपिक के अंदर जो अब चीज़ है इसको पूरे को आपने एम सी क्यू पॉइंट ऑफ व्यू से रीड कर लेना है ठीक है और फिर ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है वैवाह में कि जो डिले आ रहा होता है ए वी नोट से एवी बंडल तक जो कम इंपल्स बड़ी स्लो आ रही थी वो क्यों आ रही होती है तो ये आपको वाइवा क्वेश्चन तो आने चाहिए ठीक है देन आ जाता है वन वे कंडक्शन ऑफ ए बी बंडल रीड दे दो इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रको इसको भी सारे के सारे को रीड दे दो देन आप आगे चीज़ आ जाते हो दी जाता है अब नॉर्मल पेस मेकर ऑफ द मेकर या एक्टॉपिक पेस मेकरस इस टॉपिक से पीछे पीछे आप सिर्फ रीड दे दो फॉर एमसीट्यूज ये जो एक्टॉपिक पेस मेकर्स है दिस इज इंपॉर्टेंट इसके अंदर लिखा होगा स्टोक्स एडमसन ड्रोम यह बहुत इंपॉर्टेंट है इसको कर लीजिएगा देन आगे फिर सिंपथैटिक है पैरासिम्पथेटिक नर्व कंट्रोल ऑफ हार्ट एडमिसिटी एंड इम्पल्स कंडक्शन बद कार्डिक नर्वज वही चीज़ें जो मैंने बताई हैं कि सिंपथैटिक क्या करवाती है क्या कर बात है इसको अपने अच्छे तरीके से देख लेना अच्छा बच्चे दो वाइवा क्वेश्चन है बड़े इंपॉर्टेंट वो, वो अक्सर पूछ लेते होते हैं कि आपके पास सिस्टोलिक डेथ किसको कहते हैं और डायस्टोलिक डेथ किसको कहते हैं तो इसको राइट डाउन कर लें कि जब भी हमारा जो हार्ट है उसको एक्स्ट्रा कैल्शियम इन्वायरमेंट में मतलब ऐसे इन्वायरमेंट में रख दिया जा जाए जहाँ पर कैल्शियम बहुत ज्यादा हो तो हार्ट की सिस्टोलिक डेथ हो जाएगी बहुत ज़्यादा कंट्रैक्ट स्टेट में आ जाएगा ठीक है अगर हार्ट को बहुत ज़्यादा पोटाशियम वाली जगह पर रख दिया जाए तो हार्ट की डायस्टोलिक डेथ हो जाएगी वो बहुत ज्यादा रिलैक्स स्टेट में आ जाएगा ठीक है और कटाश के कैल्शियम एंड पोटाशियम ये कैसे कर रहे हैं ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है ठीक है तो इस चैप्टर के अंदर इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था आपने इसको यहाँ से अच्छे तरीके से रीड करना है और उसको यहीं से करना गायटन सही अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा है वट इज़ टोटल डिले द दिपल्स कंडक्शन फ्रॉम एस ए नोट थ्रू द एटीआर टू द फाइबर्स ये मैंने आपको पहले ही बताया जो फिगर बताई थी एक्सप्लेन एक टॉपिक पेस मेकरस सिंपथिक एंड पैरसिंपथिक वाला रोड ये वही मैंने आपको बता दिया बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर स्ट्रोक एथन सिंड्रोम नहीं लिखा हुआ लेकिन स्टोक एडम सिंड्रोम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो अगले चैप्टर्स में भी डिस्कस हो जाता होता है वैसे ठीक है नाउ मूविंग ऑन टू द चैप्टर नंबर एवन चैप्टर नंबर एलेवन इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इसके अंदर आपको ना इतना ज़्यादा खपने की जरूरत नहीं पड़ेगी चैप्टर नंबर इलेवन को अगर यू यू डों अगर आपके पास टाइम नहीं भी है ना तो आप बेशक इसको गाइडेंस से नहीं करो आप इसको फिर दो से कवर कर सकते हो जो पेट चीज़ें इसके अंदर आपको आनी चाहिए ना भाई वही हैं किू आर एस वेव पी वेव टी वेव किसको रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल ई सी जी ड्रॉ करने के लिए आपको आनी चाहिए फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है किू इंटरवल क्या है पी आर इंटरवल क्या है क्यू टी इंटरवल क्या है, इनकी डेफिनीशन उनकी वैल्यूज़ ये फिर दोस्त से भी मिल जाएंगे और गाइडेंस से भी मिल जाएंगे लेकिन एक और बात जो रेफरेंस वैल्यूज का होता है ना यू हैव टू ऑलवेज कंसल्ट देम फ्रॉम दी गार्डन अगर आप छोटी बुक पकड़ हो नोट no इशू कर लो लेकिन फिर जो वैल्यूज होती है ना वो छोटी बुक्स पे गलत भी होती हैं तो अपनी गार्डन से कन्फर्म कर लेंगे अगर आप छोटी बुक से कर रहे हो तो ओके okay? देन आगे आ जाता है कि आपकी जो लीड्स हैं लीड्स के अंदर आपको इनके नाम के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए थ्री बायपोर लिम लीड नाम आने चाहिए इनके जितना फिर दोस्त पे लिखा उतना तो करना है एंथोविन ट्राइंगल क्या होती है एंथोविन ट्राइंगल आपको पता आना चाहिए ठीक है अगेन आगे चेस्ट लीड्स कौन सी होती हैं ऑगमेंटेड यूनिपॉल लीड्स की होती हैं जितना यहाँ पर गाइटन के ऊपर फिर दोस्त के ऊपर लिखा हुआ है उतना कर लीजिए दैट्स ऑल अब मैं कुछ पेट एम पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ वो आपने याद रखने हैं ऑगमेंटेड लीड्स के अंदर ए वी आर जो लीड है वो हमारे पास इन्वर्टिड

डेफिनेशन बताने लगा ये आपको गाइडन से मिलती हैं तो गाइडन से गाइडन पर नहीं लिखी हुई वैसे ये या फिर दोस्त से मिलती हैं तो फिर दोस्त से कर लें या गूगल करना चाहें तो गूगल से कर लीजिए दीज आर यू वेव यू वेव की डेफिनेशन अक्सर पूछी जाती है कि क्या होती है जे पॉइंट के बारे में पूछा जाता है कि क्या होता है ठीक है ये दो चीज़ें आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए ठीक है ये दो वैल्यू डेफिनेशन है यू वेव एंड जे पॉइंट ये गूगल कर लो या फिर दोस्त पर तो लिखी हुई है माँ से कर लो ठीक है दैट्स ऑल नाउ जो है आ, आगे देख लो यहाँ पर उसने क्या लिखी हुई है चीज़ें कि प्लॉट ई सी जी नॉर्मल पर्सन मैंने बता दिया कि नॉर्मल ई सी जी ड्रॉ करके दिखाओ फिर वही हैं किू आर वगैरह क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही होती हैं वाट एफ नॉर्मलिटी आर इन दी ई सी जी टूफॉम हैविंग माई कार्डियल इफेक्शन हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गई ये आपने फिर दोस्त से चीज़ कर लेनी है मैंने बताया ना इस ट्रॉपिक फिर दोस्त से कर लेना अच्छे से फिर दोस्त के ऊपर माए कार्डियलियलियलियलियल इन्फेक्शन यहाँ पर लिखा होगा उन्होंने कि एक बंदा पेशेंट आपके पास ये एस सी यू पास पेपर्स में भी आया हुआ है कि एक बंदा पेशेंट आपके पास आया है उसको माएकॉर्डियल इफेक्शन था आपने उसकी ई सी जी ऑब्जर्व की, तो उसके में क्या क्या चेंजेस आते हैं तो ये बात याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास ईसी के अंदर अंदर हमने चेंजेस उसके जो है इन्फेक्शन uh, के पेशेंट के अंदर ईसीजी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं ये लिखे में तो यहां पर भी वैसे लिखे हुए हैं डीप क्यू वेव क्यू वेव डीप हो जाती है इन्वर्टेड टी वेव टी वेव जो है तो टोटली इन्वर्ट कर जाती है एंड एस सेगमेंट एलिवेट कर जाता है ये तीन पॉइंट्स आप उसके अंदर लिखने हैं ये वाइवा है के अंदर पूछ जाते हैं एमसीक्यू के तौर पे पूछा जा सकता है कि एक पेशेंट नॉर्मल ई और माई कार्डियन फंक्शन वाले पेशेंट के एसी के अंदर क्या फर्क है ठीक है तो आप बताएं कि जो क्यू वेव होती है वो डीप हो जाती है टी वेव जो है वो इन्वर्ट कर जाती है और एस सेगमेंट एलिवेट कर जाता है ये बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको कर लेना है यहाँ से ही बेशक स्क्रीन ले लो यहाँ पर भी लिखा हुआ है देन जो है चैप्टर जो है ना हाँ इसी चैप्टर के अंदर ना आपको एक डेफिनेशन मिलेगी फिर दोस्त के ऊपर दैट इज करंट ऑफ इंजरी करंट ऑफ इंजरी करंट ऑफ इंजरी की डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है गाइस करंट ऑफ इंजरी क्या होता है ठीक है उसके बाद एक पॉइंट है कि टी वेव हमेशा पॉजिटिव क्यों होती है वाई टी वेव इज़ ऑलवेज पॉजिटिव ये आपने अपने कॉलेज की स्लाइड से या गूगल से कहीं से भी चीज़ें आपने ढूंढ लेनी है अब कि करंट ऑफ इंजरी क्या है टी वेव पॉजिटिव क्यों होती है यू वेव क्या है जे पॉइंट क्या है ये गाइडलाइन पर नहीं चीज़ें लिखी होंगी इसमें से कुछ आपको फिर दोस्त पे भी मिल जाएंगी बट ये वाइवा में पूछी जाती हैं यू शुड नो कि क्या होती हैं ठीक है उसके बाद आगे आ जाता है बच्चे के ना चैप्टर नंबर जो है ट्वेल्व चैप्टर ट्वेल्व को आपका ऐसा चीज आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है ठीक है लेकिन कुछ चीज़ें जो आपने करनी है वो ये हैं कि अब इन पी वेव क्यू आर एस टी वेव एंड जे करंट क्या होता है या फिर दोस्त खोलोगे ठीक है फिर दोस्त के अंदर आपको कुछ अब मिल जाएंगी कि पी वेव की कीटीज़ क्या हैं क्यू आर एस वेफ की नॉर्मैलिटीज़ क्या हैं टी वेव की क्या उनको जस्ट फॉर द एम सी क्यू पॉइंट ऑफ व्यू उनको एक बार रीड दे लेना बाकी चैप्टर ट्वेल्व को ओवरऑल स्किप कर दें ये बहुत आपके आ, मतलब हमारे फर्स्ट ईयर के एटलीस्ट लेवल का ये चैप्टर नहीं है और ये हमें करने की भी ज़रूरत नहीं होती है मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर थर्टीन चैप्टर नंबर थर्टीन इज इंपॉर्टेंट और ये आपको आना चाहिए चैप्टर नंबर थर्टीन अगेन पहले मैं अपनी गाइडेंस से देख के आपको बताने लगाऊँ कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग से आप रीड करना चाहो तो ट्रैक एक कार्ड या ब्रिकित दोनों की डेफिनेशन उनके काजेज़ आने चाहिए साइनस और रिदर्मिया क्या होता है ब्लॉक्स एट्रीओ वेंटिक्युलर ब्लॉक के काजेज क्या होते हैं देन बच्चे जो ब्लॉक्स हैं ना फर्स्ट डिग्री ब्लॉक सेकेंड डिग्री ब्लॉक थर्ड डिग्री ब्लॉक ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है थर्ड डिग्री ब्लॉक तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एसोसिएटेड है वेंटिकुलर

आगे आ जाता है वेंटिकुलर फिब्रिलेशन फिब्रिलेशन इज इंपॉर्टेंट सर्कस मूवमेंट्स क्या होती हैं फिब्रिलेशन क्या होती है एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होती है वेंटिकुलर फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन। दोनों की ई में क्या फ़र्क होता है दैट इज इंपॉर्टेंट ठीक है उसके बाद कार्डियो पलमनरी रेसिट, क्या होती है एट्रियल फ्लटर एंड आर्टीरियल फेब्रिलेशन में डिफरेंस आता होता है ये ईसीजी का मेन डिफरेंस है आपने आना चाहिए कार्डिक अरेस्ट क्या होता है ये अक्सर आ जाता है है ये आपको चीज़ें आनी चाहिए हैं ये पास्ट पेपर्स खोल के देखिएगा इनके सैनैरियोज़ आते होते हैं यू शुड नो अबाउट दीज सियोज ये हार्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इस चैप्टर नंबर थर्टीन का है सर इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा अब देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें क्या और हाँ ये चैप्टर आप फिर दोस्त से कभी भी नहीं कर सकते और ना वहाँ से करना है प्लीज़ ठीक है ओके सो यहाँ पर क्या क्लासिफिकेशन ऑफ रिदिमिया मैंने बता दिया बच्चे ये जो चैप्टर जो चीज़ आपको गाइडन पे यहाँ पर मिल जाती है गाइडन से कीजिए यू डोंट हैव टू कंसल्ट जेपी और अदर बॉक्स इस लेवल पे आप एक बुक पे ही स्टक रहो तो वो ज़्यादा बेहतर है साइनस से रीतनियाज कर लेंगे हार्ट ब्लॉक्स मैंने बता दिया स्टोका दम सिंड्रोम इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्लटर एंड फिब्रिलेशन में फर्क आ जाता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्डिक मसल्स ये दो 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 पेजेस फायर दो, दोस्त दो, दो पे लिखे हुए ये मैंने जब आपको नर्व फिजियोलॉजी की गाइडलाइन दी थी तब भी मैंने बताया था कि स्केल्टल स्मूथ एंड कार्डिक मसल्स की आपको कररेक्टरिस्टिक्स के डिफ्रेंसिस आने चाहिए सो हे वी हैव कंक्लूडेड क्यूटीजर हार्ट हार्ट के यही चार पाँच चैप्टर्स थे चैप्टर ट्वेल्व को बहुत थोड़ा सा करना है फिर दोस्त के ऊपर बाकी वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है चैप्टर नाइन टेन इलेवन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया चैप्टर थर्टीन इज मोस्ट